हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गैब्रियल सिंथेटिस इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी अल्कोहल, टर्शरी एमाइन, टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी और प्राइमरी एमीन बन सकता है, या प्राइमरी अल्कोहल, या टर्शरी एमीन, या टर्शरी अल्कोहल। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग को सीखना ये होगा कि गैब्रियल सिंथेटिस होता क्या है। ओके तो अगर बात करें गैब्रियल सिंथेसिस की, तो ये होता है फेथा, अगर बोल सकते हो फेथालिमाइट इज रिएक्टेड विथ, KOH, ओके, टू फॉर्म पोटेशियम फेथालामाइड। द पोटेशियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ एल्काइल हैलाइड। इसको कौन ट्रीट करता है? एल्काइल हैलाइड ट्रीट करता है। द प्रोडक्ट एन एल्काइल पाइथालामाइड इज पुट टू हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइज विथ HCl, ठीक है, ये HCl से कर जा रहा है, इसके वजह से ये प्राइमरी एमाइन बनाता है, दे फॉर्म प्राइमरी एमाइन। देखो रिएक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली फेथलामाइट क्या होता है, एक्चुअली फेथलामाइट यही है, ओके। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाता है? इसका रिएक्शन पहले KOH से कराया जाता है, और फिर KOH से रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है, ये पोटेशियम यहाँ पे रिप्लेस करता है, ओके। पोटेशियम जब फिर ये किससे रिएक्ट करता है, पोटेशियम जब रिप्लेस करेगा तो एल्काइल हैलाइड उसको ट्रीट करता है, ओके। एल्काइल हैलाइड इसको ट्रीट करेगा, जिसके वजह से ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये एल्काइल हैलाइड इसको ट्रीट करता है, यहां से ये फिर से एल्काइल हैलाइड से ट्रीट होगा जो RH है, ओके। और ये क्या करेगा, ये NH2 यहाँ पे R के साथ चला जाता है, और फाइनली प्रोडक्ट, और यहाँ पर एक और ये NH2 से ये रिएक्ट करता है किसके, HCl के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहाँ पर ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है, NH, और साथ में बनता है RnH2। तो इस तरह से ये यहाँ जो X है जो है ना, ये पोटेशियम के साथ फ्री हो जाता है, और यहाँ से जो N होता है, यहाँ NH2 से एक R से के साथ कनेक्ट करता है, और एक H जो यहाँ पर है वो H2O बनाता है, H2O
ओ बनाता है। यहाँ से जो ओ एच निकलता है और यहाँ से एक एच निकलता है इस यहाँ से, तो वो दोनों मिलकर H2O बनाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर ये बनता है जो कि एक तरह का क्या है, प्राइमरी एमीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राइमरी एमीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।